पहले के समय में इसी से लोग पानी पिया करते थे पूर्वज वगैरह। तो दोस्तों जैसा कि मैं आप सभी को पिछले वीडियो में दिखाया था कि बांस कटाया था और मैं वहाँ से ढोकर भी लाया था उसका टहनी वगैरह, तो मैं कुछ आपको दिखाया था जो कि बांस उस वगैरह लगाया गया था जाफरी में, कुछ मतलब रिपेयरिंग किया गया और कुछ नया मतलब जाफरी लग रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा मेरा रूम, इसी में मैं सोता हूँ, और ये रहा जिस तरह का डाइनिंग बाहर से निकलता हूँ, ये रहा गेट। और यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पे नए नए बांस उस वगैरह लगाया गया है, इसको रिपेयरिंग वगैरह कर दिया गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो नए जो जाफरी बन रहा है, वो बात मैं आपको दिखाता हूँ। बांस गड़ा हुआ देख सकते हैं यहाँ पे है, और यहाँ पर भी बांस वगैरह, तो इससे खाना क्या है, यहाँ पे बांस वगैरह लग गया है, इसी में मतलब कि तीनों साइड से जाफरी लगेगा। और ये रहा रिपेयरिंग वाला जो रिपेयरिंग हुआ है, ये रहा मेरा घर, इसमें नया बांस लगा है और इधर से नया जाफरी बनेगा। तो ये लोग हैं, तो ऐसा जाफरी जो है यहाँ पे बन रहा है जो कि जहाँ पे खाली था उसमें ये सब लगेगा, देख सकते हो ये दोनों बनकर रेडी है, और एक नीचे में है और ये यहाँ पे और रखा हुआ है। तो जान लोग काम किए हैं इतना बचा हुआ है, अभी जान लोग गए खाना खाने के लिए, तो एक ये है और एक ये और एक ये, तीन है, एक और बनेगा क्योंकि जो है बाड़ी का चारों साइड से ऐसा लगेगा, तो इसमें चार को आ सकता है, चार को ऐसा बनेगा जिसमें से तीन को बन चुका है, एक और बनेगा। तो यहाँ पे जाफरी वगैरह लगेगा और यहाँ पे बनकर रखा हुआ है न्यू, एक वहाँ पर है और दो वहाँ पर है, ये चारों लगेगा वहाँ पे। और ये था ये पुराने वाला ही है, सिर्फ इसमें बांस का आवश्यकता था, बांस वगैरह टूट चुका था तो उसमें नया नया बांस लगा दिया गया है। और ये रहेगा घर का व्यू, वहाँ से शुरू होता है यहाँ तक है, पेड़ पौधा यहाँ पे लगा हुआ आम का पेड़ वगैरह। और ये रहा मेरा अंकल का हिस्से का, देखो पानी भरा हुआ टोटल। तो चलिए थोड़ा हम भी इन लोगों को हेल्प कर देते हैं। तो एक यहाँ पे लग चुका है, छत पर से कुछ इस तरह का व्यू है, वहाँ पे चल रहा है वर्क। और इसमें बांस वगैरह सब कुछ न्यू लग चुका है, और वहाँ से यहाँ तक लग गया, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से फिर यहाँ तक लगेगा एक और, उसके बाद फिर यहाँ से फिर वहाँ तक। और ये जो आप देख रहे हैं इसमें भैंस के चारे के लिए भूसा जो होता है गेहूं का, इसमें रखा गया है दूसरे लोगों का है। और ये रहा वन का व्यू, हरी भरी खेत खलियान यहाँ पे देख सकते हो, पानी भी थोड़ा थोड़ा है, बारिश हुआ था इसके कारण। और इधर बस्ती वगैरह है, घर वगैरह देख सकते हो गांव का। और ये रहा मेरे छत पर के एक रूम, और इधर गांव वगैरह है।
दोस्तों फाइनली पूरे काम फिनिश हो चुका है, अब चलते हैं गांव में घूमने के लिए दोस्तों के साथ। तो दोस्तों अभी हम आए अपने गांव में और यहां पर दोस्तों की इंडा है। पहले के समय में इसी से लोग पानी पिया करते थे, पूर्वज वगैरह। तो यही अभी गांव में भी बचा हुआ है, जो कि अभी ठीक ठाक स्थिति में। तो अक्सर मतलब जो ज़्यादातर जो कुएँ हैं सबको मतलब भर दिया कचरा, कूड़ा कचरा से पूरे मिट्टी करके उसको मतलब भर दिया गया। यही एक इंडा बचा हुआ है जो मतलब इसमें यूज में तो नहीं आता है, सिर्फ यहाँ पे देख सकते हो पानी वगैरह है। पहले के समय में ये यूज में लाया जाता था, जब हम लोगों का जन्म जब नहीं हुआ था उस समय में मतलब लोग पिया करते थे पानी। जब लोग हम लोग जब जन्म हुआ दिमाग आया बचपना में, तो हम लोग को याद है कि उस समय मतलब पानी वगैरह कोई इसमें से पीता नहीं था। तो इस कारण धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, मतलब ये इस पर पानी वगैरह कोई नहीं पीता है, कोई यूज नहीं करता। लेकिन ऐसा ही बचा हुआ है जो कि बहुत ही पुराना है। और इसमें देखिएगा तो यहाँ पे मेढक वगैरह है, कुंभी वगैरह यहाँ पे है। तो कुछ इस तरह का है व्यू वगैरह। तो अभी मैं अपने गांव में आया हूँ, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का व्यू वगैरह देखने को मिला है। थैंक यू, बाय बाय, लव यू। तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ अपने गांव के मुस्लिम मोहल्ले में, क्योंकि कुछ इस तरह का व्यू वगैरह देखने को मिल रहा है। तो आज मुस्लिम भाई लोगों का ईद भी है। ईद मुबारक। पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो स्क्रीन पर जो वीडियो आपको दिख रहा है उस पर क्लिक करें।